डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजरमेंट। सबसे पहले हम मेजरमेंट को समझने की कोशिश करेंगे जो ये बताता हम लोगों को कि इट इज द कंपैरिजन of a given quantity with its standard quantity. Standard quantity. So measurement is the comparison of a given quantity with its standard quantity. For example, अगर हमारे पास ये मार्कर है जिसकी लेंथ को हमने मेजर करना है तो इसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें चाहिए होगी जो कि हमारे पास मीटर रूल की शक्ल में मौजूद होता है या इंच टेप की शक्ल में मौजूद होता है। अगर हम इंच टेप लेते हैं तो इसकी लेंथ को हम इंच की शक्ल में मेजर कर सकेंगे और मीटर रॉड को अगर हम ले लेंगे तो इसको हम लोग सेंटीमीटर की शक्ल में और मिलीमीटर की शक्ल में हम इसको मेजर कर सकेंगे। गोया मीटर रूल हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी जाहिर करेगा और ये मार्कर जो है वो क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इफ इफ द लेंथ ऑफ मार्कर इज रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड its length is compared with a meter rule. Meter rule. Hence, meter rule is in the form of standard. So, if the length of the marker is to be measured, then the marker has to be compared with the meter rule. If we compare the length of the marker with the meter rule, then we can easily find the length of the marker in terms of centimeters, meters, etc. Now, the next topic is physical quantities. Physical quantity. Those quantities which are measurable are called as a physical quantity. Physical quantity. For example, length, mass, time, force, velocity, acceleration, momentum, torque and many more. Many more. Okay. हमने पहले ही ये डिस्कस की एक बार कि क्वांटिटीज जो है वो मेजरेबल हो सकती हैं और उसके लिए हमें मेजर करने के लिए किसी न किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी या किसी इंस्ट्रूमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। अगर हमें कोई पहले से इंस्ट्रूमेंट दस्तियाब हो और उसके साथ साथ
कोई कोई क्वांटिटी जो है वो मेजर करने के लिए हमें दी जाए, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो तमाम क्वांटिटीज जो किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से या किसी दूसरे तरीके से उनको मेजर किया जा सके, उन तमाम क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वांटिटीज जो कि यहां पर मैंने जिक्र किया है उनका जो कि फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, एन एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो किस्म की होती है जी। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन बेस क्वांटिटीज, नंबर टू डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। ये बजाय खुद बेस होती हैं दूसरी क्वांटिटीज के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी के सपोर्ट की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दीज आर द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड। These are the quantities in terms of which other quantities can be expressed. Derived quantities वो होती हैं the quantities which are expressed in terms of base quantities. derived quantities
इनको डिराइव क्वांटिटीज भी कहते हैं कि ये रिजल्ट खुद इन क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी, मोमेंटम की। मोमेंटम जो होता है P is equal to mass multiplied by velocity. मास जो है बेस्ट क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अनदर डिराइव क्वांटिटी जो कि डिस्टेंस अपॉन लेंथ अपॉन टाइम होता है, लिहाजा मोमेंटम जो है उसको हम एक डिराइव क्वांटिटी के तौर पर लेते हैं और ये कॉम्बिनेशन है आपके पास डिराइव बेस क्वांटिटीज का, जिसमें एक मास आता है, दूसरा लेंथ और तीसरा जो है वो टाइम आता है। लिहाजा इनकी कॉम्बिनेशन से, बेस क्वांटिटीज की कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटीज बनती हैं उनको हम लोग डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं।